बजे क्लियर कर दी गई थी। शाह जमाल जो है 11:06 पर क्लियर कर दिया गया था। चबुर्जी चौक जो है उसको 4:40 पर, अभी जब आपसे जब ये रिपोर्ट आई है तो चबुर्जी चौक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लिटन रोड जो है वो उसके ऊपर काम जारी है। जो चौक करतबा है मजंग वाला वो 2:15 के ऊपर उसको क्लियर कर दिया गया था। कजाफी स्टेडियम पे काम जारी है। जो टिक्का चौक है जौहर टाउन का 2:56 पर क्लियर कर... तो ये पूरा एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी, ताकि मेरे बताने की बजाय जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो मौजूद हों। सो मेरी गुजारिश ये है कि जो यकीनन जहाँ पानी खड़ा हुआ, ये मुख्तलिफ सड़कें अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मुख्तलिफ सड़कें हैं जो आप देखेंगे। ये आबद मार्केट है जी, चलाएँ ये आबद मार्केट। ये देख लें कि इसके ऊपर जो है वो पानी हमेशा, आबद मार्केट मशहूर ज़माना है कि वहाँ पर किस तरह से पानी खड़ा होता है। और ये सारा अमला वासा का अमला है, और ये भी शायद पंजाब की तारीख में किसी चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से 9:30 बजे सड़कों पर खड़े हुए किसी ने नहीं देखा, जो इस मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने। चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे, वो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। ये सारे सक्शन सेंट जो इनके पंप्स हैं वो लगे हुए हैं। अगली जो मुख्तलिफ फुटेजेज़ है, ये ऐवान इकबाल की फुटेज है, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो मेरे कहने की बात नहीं है, बात यह है कि हम आपके साथ जो रीसेंट और जो असल सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ठीक है, बारिश बहुत है, आप लोग बाहर निकल के शायद उस तरह से शायद कवर भी ना कर सकें, तो बराए मेहरबानी जो सूरत हाल सच है जो आपको भिजवाई जा रही है उसको बराए मेहरबानी दिखाना आपका जो है वो फ़र्ज़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चंद घंटों के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग इसके ऊपर, सोशल मीडिया आपको पता है उसका एक तरीकाकार, एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। बड़े बड़े वो अपने आप को जो साफ़ी कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, वो पुरानी फुटेजेस भी निकाल निकाल कर, अब चीफ मिनिस्टर साहिबा की 1 जुलाई की फुटेज है जिसके अंदर उन्होंने ये फुटेजेज आप साथ साथ देखते जा रहे हैं। 1 जुलाई का एक फुटेज है जिसमें बारिश हुई थी और चीफ मिनिस्टर साहिबा इस्लामाबाद से वापस आ रही थी और वो सीधी जो है वो चली गई थी चेक करने के लिए पानी को। उस फुटेज को आज की फुटेज बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और उसके ऊपर एक तूफान बदतमीज़ी जो बरपा है वो होता ही है। लेकिन ये उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि उनको जो उनके पास रिसेंट आज की फुटेज है, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है जो वो कर सके, इसलिए उनको पुरानी फुटेजेस को इस्तेमाल किया करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बातें वो कर रहे हैं जिनके पास पिछले 11 साल से एक सूबे में हुकूमत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो प्रोपेगेंडा सेल के अलमशहूर जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, उन्होंने आज की खैबर पख्तूनख्वा की फुटेजेस देखी हैं? मैं नहीं करना चाहती। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर जो है अस्पताल डूबे हुए हैं, अगर वहाँ पर अभी भी जो पेशेंट्स को ले जाने के लिए या मैयतों को ले जाने के लिए लोगों को बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जो है वो चारपहियाँ ले जानी पड़ती हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक यंग बच्चा जो है वो नहर में, एक वो जो दरिया है उसके अंदर गिर के हलाक हुआ है, उसके वालिद साहब ने उसको बचाने के लिए वो कूदे, उनको बचा लिया गया, वो बच्चा नहीं बच सका। सो ये वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में यहाँ एक टोट बटोट रखा हुआ था, और वो टोट बटोट जो है उसको ये भी समझ नहीं आती थी कि इधर से आवाज़ आती है एयरपोर्ट लगा के, ये इधर से भी आती है या दोनों में से आएगी। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खौफ है, जो उनसे तकलीफ़ है, वो बहुत सारे लोग अब तो खैर उसको बयान भी करते हैं। मैं कोई सियासी बात ना करती अगर ये इस एक आफत के ऊपर भी सियासत ना की जाती। अब मुझे याद कराना पड़ेगा, डेंगी आया था तो एक बहुत बहादुर उम्मत मुसलमा का एक लीडर जो है वो पहाड़ों पे चढ़ गया था, और उसको पता नहीं वो टोटकों से बताया गया था या किसने कहा था कि तुम तभी बचोगे अगर तुम पहाड़ों पे चढ़ जाओ, तो वो मर गए थे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उनको डेंगी जो है वो डेंगी से हलाकतें हो रही थी, वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरा था। और उस वक्त भी खादम आला पंजाब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ही खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपने फील्ड हॉस्पिटल भेजे थे, वहाँ जाकर फील्ड हॉस्पिटल्स ने वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत की थी। लेकिन बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर कोई गलत काम हो, कहीं पर अगर जो है कोई कमी कोताही है, हम उसको सुनने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए बैठे हैं। हम कोई खुदाई दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई, लेकिन
जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज भी होना चाहिए। और इसलिए मुझे आज ये तस्वीर आपको दिखानी पड़ी, और ये तस्वीर सिर्फ लाहौर की नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तस्वीर पूरे पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की है। इसमें नारोवाल भी है, इसमें कसूर भी है, इसमें शकरगढ़ भी है, इसमें रावलपिंडी भी है। सो तमाम तर शहरों के अंदर से जो रिपोर्ट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास पहुंच रही हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। और ये तकलीफ़ दे बात है मेरे लिए, मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 दिन की बारिशों में 24 अफराद हलाक हुए हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है हमारे लिए कि वो जो हमारे भाई हैं, जो बहनें थी या बच्चे थे, जो भी लोग हलाक हुए हैं, उनको वो कुदरती आफत की नज़र हुए हैं। हम तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो उसके ऊपर जो है वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे। हम तो अब भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को भी अगर सीखना है, अगर उनको कहीं मदद चाहिए तो वो चीफ मिनिस्टर से राबता कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को भी अपने लोग समझती हैं, वहाँ पर जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है, बात वो करें जिसका खुद का दामन साफ़ हो। आपने पिछले 11 साल में एक सूबे में हुकूमत करने के बाद नाहली नालायकी, और अब भी क्या है, कोई आप ढंग का प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे, कोई आप बात नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है बदतमीज़ी और धमकी पे बात होगी। जो बारिशों की अब मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है, इसके ऊपर PDMA ने भी अपना अलर्ट जारी किया है, जिसके अंदर हम गुजारिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घरों से ना निकला जाए। जो बच्चे हैं उनको नशेबी इलाकों में पानी अगर जमा होता है उनको उससे दूर रखा जाए। जो इलेक्ट्रिक जो आलात हैं या जो खंबे हैं या तारे हैं उनसे जो है वो तमाम लोगों को फासला इख्तियार करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो जिसके ऊपर जो है वो तकलीफ़ हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जमात जो है जिसने हमेशा हर चीज़ पे सियासत की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर चीज़ के ऊपर जो है वो उनको कॉन्स्पिरेसी करनी होती है, और ये बारिश और बारिश के पानी के ऊपर भी वो सियासत करने से जो है वो नहीं चूके। और ये मजाक नहीं है कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए, ये मजाक नहीं होता। और इसको मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो बारिशों का पानी है ये भी पहली दफ़ा पंजाब के अंदर हुआ है। वो ज़रा अगर आप पंजाब की वो सेफ सिटी की जो बच्ची ब्रीफ कर रही है वो ज़रा फुटेज चलाएं कि सेफ सिटी के कैमरों के साथ पहली दफ़ा जो बारिश का पानी कहाँ कहाँ खड़ा है और उसको किस किस तरह से जो है वो कहाँ उसको रिपोर्ट किया गया, और ये कैमरे जो हैं इनके साथ मुकम्मल तौर पर सर्विलेंस जो है वो की गई। इसके साथ साथ हमारी तमाम ट्रैफिक पुलिस, हमारे बाकी जो इदारे हैं उनके लोग, हमारी इस वक्त जितनी रोड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए जो इंट्रा सिटी या जो दूसरे शहरों से जो मिलाने वाली सड़कें हैं, तमाम सड़कों के ऊपर भी जो है वो पानी को क्लियर किया जा रहा है, ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है उसको बेहतर किया जा सके। और अभी भी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लाहौर का बहुत बड़ा हिस्सा और पंजाब का जो है वो तकरीबन बहुत सारा हिस्सा जो है वो हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे क़यादत उनके एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो ले रही हैं। और मुझ समेत उन्होंने ये मुझे हुक्म किया कि चूँकि शायद मेरी गलती है कि मैं मीडिया तक ये तमाम फुटेजेस जो पूरा लाहौर देख रहा है, लोग खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारी फुटेजेस ऐसी हैं जो आम लोगों ने बनाई हैं, लोग कह रहे हैं मैं मनारे पाकिस्तान के पास जाता गनबख्श की जो है वो ये आम लोग खुद वीडियोस बना के भेज रहे हैं, लेकिन वो मीडिया को चूँकि शायद नज़र नहीं आया, उनको नहीं पहुँची, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक ये तमाम वीडियोज़, ये तमाम फैक्ट्स जो है वो पहुँचाऊँ, ताकि सर्विसज हॉस्पिटल में यकीनन बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था, ये सुबह 9 बजे की बात है, उसके बाद अगर 10 बजे के करीब बारिश का पानी जो है वो ख़त्म हो गया था तो बराए मेहरबानी इसको रिपोर्ट करना जो है वो आपका फ़र्ज़ है, ये आपको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपको अस्पतालों के हवाले से अभी भी एक वन साइडेड एक अजीब सी पुरानी शायद वो चीज़ें चल रही हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेयो हॉस्पिटल जो है वो क्लियर है जी इस वक्त, और मैंने देखा कि वो अब पार्किंग के अंदर कहीं कहीं पानी खड़ा है, तो वो अंदर की बात नहीं मिली,
वो पार्किंग में देखे ना जी, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें पानी है, तो पानी को भाई मतलब कहीं ना कहीं तो आपको ले जाना है, अस्पताल खाली करेंगे तो पानी कहीं तो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ DHA के इलाके या कुछ जो ऐसी कॉलोनीज़ या ऐसी जगह हैं जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है, वहाँ की फुटेज लगा कर जो है वो बहुत सारे प्रोपेगेंडा सेल के साफ़ी जो हैं वो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, मतलब आप नाम साफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मालूमात को कम अज़ कम चेक तो कर लिया करें बात करने से पहले। गंगाराम जो है उसके अंदर भी यकीनन प्रॉब्लम हुआ था, गंगाराम इज़ क्लियर। कुछ पानी जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी की बेसमेंट में खड़ा था, वो क्लियर कर दिया गया है। कोई पानी इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, उसकी बाहर बिल्डिंग से बाहर कुछ पानी खड़ा है जिसको वॉसा जो है, ये अभी घंटा पहले की रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई पानी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, बिल्डिंग के बाहर पानी है उसको वॉसा क्लियर कर रहा है। कोट ख्वाजा हॉस्पिटल क्लियर है, एमरजेंसी और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो क्लियर है, एडमिन ब्लॉक जो है वो क्लियर है, और ये 11 बजे जो है ये क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद लेडी HSN जो है वो क्लियर है, मियां मुंशी हॉस्पिटल क्लियर है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट वो क्लियर है, मियां मुंशी अस्पताल जो है वो क्लियर है, और जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी क्लियर है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर जो मैंने इसीलिए आपको सबको तकलीफ़ दी कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको मालूमात दूँ, और वो मालूमात देने के लिए मैंने आपको गुजारिश की है, सो मेहरबानी करके जो अपनी मालूमात हैं उनको अपडेट फरमा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम आपने बात की कि आपने फौरी तौर पर बारी बारी आपने फौरी तौर पर क्लियर कर दिया कि आप ये मेंशन कर सकती हैं कि इंतजामिया ने कोई टाइम लिमिट रखी है कि बारिश होने के कितनी देर बाद आप उस टाइम चाहें जब वो क्लियर कर दी जाती हैं, ताकि ये जो फेक खबरें हैं इनका रास्ता रोक सके। हम जितने भी घंटे में कर लेना, अगर 11 बजे सर्विसेज क्लियर था और 4 बजे की खबरों तक सर्विसेज में पानी खड़ा है, तो भाई फिर मैं गिला ही कर सकती हूँ आपके साथ, और क्या ही कर सकती हूँ। देखिए पानी की ये भी बारिश की उसके ऊपर है ना, कितनी है पानी, कितना खड़ा है, और ये आपका देखना ये फ़र्ज़ है कि क्या इंतज़ामिया मुतहरक है कि नहीं, क्या इंतज़ामिया काम कर रही है कि नहीं, क्या चीफ मिनिस्टर की सरकर्दगी में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने जैसे गुजारिश की, कभी आपने किसी चीफ सेक्रेटरी को बारिश में भीगते हुए देखा है? ये मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना वो आपको भीगते हुए सड़कों के ऊपर नजर आए हैं। और इसी तरह वासा है, ACs हैं, DCs हैं, आपके जितने भी इदारे हैं, PDMA बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही, हमारी सीनियर मजिस्ट्रेट साहिबा जो है वो भी जो है वो चेक कर रही थी, वो PDMA के दफ्तर भी गई। तो हर बंदा अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहा है जो ह्यूमनली किया जा सकता है। बाकी अभी और बारिश का भी इम्कान है, मैंने जैसे गुजारिश की कि प्लीज़ एहतियात करें, और हमें सबको मिलकर इंशाल्लाह ताला इस जो एक चंद दिनों का एक मुश्किल स्पैन है उससे बाहर निकलना है। जी मैंने दोस्त जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जो छोटी इलाके हैं या गली मोहल्ले हैं उनके अंदर भी यकीनन, देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको आप स्ट्रेटजी वाइज आप उसको प्लान करते हैं, और मैंने कहा मैं कोई खुदाई दावा नहीं करूँगी, लेकिन ये बात अपने तौर पर जो मैंने आपको दिखाया ये भी रियलिटी है। और जहाँ पर अभी भी कहीं पानी खड़ा है, मैंने अभी रस्ते में आते हुए मैंने एक दो जगहों पर पानी खड़ा देखा, मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा कि मुझे ये पानी यहाँ खड़ा नज़र आ रहा है, बराए मेहरबानी यहाँ पर टीमें भेजें। तो जहाँ पर भी पानी खड़ा है उसको ख़त्म करना, उसको वॉश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम उसके ऊपर अभी बाय द वे ये ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, और ना मैंने कहा कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, हमने सारा पानी ख़त्म कर दिया। हो गया, एक सवाल हो गया। हाँ नहीं, ये तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि बारिश हो और पानी खड़ा ना हो, ये पेरिस में भी नहीं हुआ कि बारिश हो और पानी खड़ा ना हो, ये जर्मनी में कभी नहीं हुआ, दुबई भी डूब गया था अभी कुछ दिन पहले। तो प्यारे भाई ये बारिश जहाँ अल्लाह पाक के, जैसे मैंने कहा कि निज़ाम रबी है, जब बारिश होगी तो पानी खड़ा होना एक नेचुरल चीज़ है, पानी को खड़े रहने नहीं देना चाहिए,
ये एक हुकूमत का एजेंडा होना चाहिए, जो मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि यकीनन ये साला साल की बात है, आज की बात नहीं है, पानी एक नेमत है जिसको हम ज़ाया कर बैठते हैं, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आने वाले सालों में ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि ये हमारे कुदरत को जो तोहफा है ये ज़ाया भी ना हो और शहरों को भी मसाइल और मुश्किल का सामना ना करना। बहुत अच्छा सवाल है आपका उल्फत, और ये इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने PDMA को और मुतलका जो इदारे हैं उनसे प्लान तलब किया है कि शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा कि जिसमें हम जो रेन वाटर है उसको बचा सकें। पाकिस्तान वैसे भी उन मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली अब शामिल है जहां पर पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर आने वाले सालों में पानी की कमी हो जाएगी। सो इसके ऊपर यकीनन जो है वो इसके ऊपर भी हमारा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला जब 5 साल मुकम्मल करके जाएंगे तो ये जो पानी के हवाले से शहबाज साहब के दौर में क्या होता था और वो अपने दौर के बाद कहाँ पंजाब छोड़ के गए थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। और मैं अल्लाह पाक से डर के कहती हूँ कि अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करके जाएंगी तो ये वाला पंजाब जो है ये उससे कहीं आगे होगा। अच्छा अच्छा वो कहाँ है, कागजों में था, कागजों में था। एक मिनट, यही बात है ना, बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू वेरी मच मुझे ये बताने के लिए कि टोट बटोट साहब ने एक जो है वो नारा लगाया था और नारा वो कागज़ों में डाल के ऐसे फाइल बंद करके अपने घर चले गए। सो मैंने जैसे पहले भी कहा और मुझे ये कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि मेरी चीफ मिनिस्टर जब तक कोई इम्प्लीमेंट होने की स्टेज पे ना हो मंसूबा वो उसका अनाउंसमेंट नहीं करती, और हमारा कोई मंसूबा फाइलों के अंदर आपको बंद हुआ नज़र नहीं आएगा। वो टोट बटोट जो नहीं कर सका, जो बेचारा नहीं कर सकता था, देखिए वो बेचारे को तो अपना नाम शहबाज शरीफ बताना पड़ता था, तो मरियम नवाज़ तो खुद एक ब्रांड है, मरियम नवाज़ है और वो अपना काम करके जाएंगे। नदीम साहब जी देखिए, जोहड़ बनने से रोकना तो मैंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं रोक सकते जहाँ पानी इकट्ठा होना होता है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है एज ए सिटीज़न, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रखें कि हम कचरा सड़क पर ना फेंकें ताकि ब्लॉकेज ना हो, और जब जो ड्रेनेज वाला जो पैसेज है जब उसके अंदर जब प्लास्टिक इकट्ठा हुआ होगा, जब उसके अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा होगा तो पानी ड्रेन नहीं होगा। इसी तरह पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, मैंने गुजारिश भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट की है पेरेंट्स से कि खुदा के वास्ते बच्चों के ऊपर जो है वो नज़र रखें, उनको इस तरह से पानी में, ये जो हमारे वो एक रिवाज है, एक रिवायत है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, लेकिन ये रिवायत कभी कभी वबाले जान बन जाती है कि पानी इकट्ठा होता है, बच्चे उसके अंदर खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो इसको इंजॉय करते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस भी बन सकता है। तो कम से कम जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश की वो हो, नॉर्मल बारिश हो और बात है, जब ज़्यादा बारिश की वो पेशनगोई भी है, बारिश हुई भी है, तो पेरेंट्स को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है, और पूरी दुनिया में पूरी जगह पर देखिए सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है, हम सबको मिलके जो है वो सिविक सेंस भी, हम सबका सूबा है, हमारा सबका जो है वो मुल्क और शहर है, हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अब पेरेंट्स का रोल मैं प्ले नहीं कर सकती, वो फुटेज चलाए भी सही ना, किसकी जी, अच्छा जी, ये कितनी देर की फुटेज, कितनी देर पहले की फुटेज है, ये ठीक हो चुकी है, इसको चेक करवा लीजिएगा आप जाकर, इसको चेक करवा लीजिएगा आप जाकर, और अगर नहीं होगी तो मैं खुद चेक करूंगी इसको। एक मिनट, बारी बारी भाई, मैं दो सवाल तो नहीं ले सकती जी, अब बारिश के अंदर शिगाफ फुल नहीं हो सकता ना, अभी तो कुछ टेम्प्ररी काम किया जा सकता है कि टेम्प्ररी तौर पर जो है उस शिगाफ के कोई हल निकाला जा सके, जाहिर है बारिश ख़त्म होगी तो ही उसको जो है वो फिल किया जा सकता है। और अभी जो दूसरी आपकी बात क्या थी कि जो बिजली की बात है, देखिए बिजली बहुत सारे ये ट्रिप होना ये एक रूटीन की बात है, और कई जगह पर ये हमारे भी यहाँ बिजली नहीं है बाय द वे, जनरेटर काम कर रहा है इस वक्त, और ये
करंट से बचाने के लिए कई जगहों पर, अब देखिए जितनी बारिश हुई है हमारे जो ग्रिड स्टेशन हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी जो तनसीबात हैं वहाँ पर भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली भी करना पड़ता है, लेकिन लेस्को काम कर रही है। लेस्को के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत एक उनका विजिलेंट मॉनिटर है उसके ऊपर भी, जैसे जैसे इलाके क्लियर होते जा रहे हैं इंशाल्लाह बिजली भी बहाल होती चली जाएगी। शौकत साहब सीनियर जी दूसरा ये कि मैं बड़े अच्छे से कवर कर रहा हूँ कि तकरीबन 25 ईयर से सारी लोकल गवर्नमेंट जी, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि एक तो भाषा की जो मशीनरी है इसकी को बढ़ाने की जरूरत भी है जी बिल्कुल है। और दूसरा ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा ये गाइड किया कि हॉस्पिटल के पानी निकाला जा चुका है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब नई बिल्डिंग बनती है उसमें पानी का इतना ज़्यादा जमा हो जाना कि इसमें मीडिया को आवाम आए या कोई हॉस्पिटल के लिए कोई स्पेशल आपको डेली ऐसा सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल पानी से। देखिए भाई इसमें गुजारिश ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना इस वक्त जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वो तो ज़ाहिर है नई टेक्नोलॉजी के साथ नए सिस्टम के साथ बन, अब जो ये पुराने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं अभी जो म्यू हॉस्पिटल है ये 1800 समथिंग के इराका बना हुआ है, अब जनरल हॉस्पिटल बहुत पुराना बना हुआ है, अब ये पुराने उस तरह से उस सिस्टम के जरिए नहीं बने हुए, लेकिन इसके अंदर जो रिवैम्पिंग है जो चल रही है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब है कि बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पानी की सीपेज है नंबर वन, और नंबर टू जो पानी का ड्रेनेज है उसका जो है वो रास्ता और हल निकाला जाए। और इसके ऊपर यकीनन अब ये बारिश जब ख़त्म होती है तो जो जहाँ पर भी हमसे कोई गलती कोताही गफलत रह गई होगी, हम वो लोग नहीं हैं जो खुदाई दावे करेंगे कि हम कहेंगे हम